हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि पीलीभीत में बाढ़ के पानी आने की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, जिससे बचने के उन्होंने उपाय बताए। श्री आलोक शर्मा ने उन उपायों के बारे में क्या बताया और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए दिखाते हैं आपको। वर्तमान में जैसा कि हम सभी को विदित है, जनपद पीलीभीत में बाढ़ के बाद की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें जगह जगह जल भराव की स्थितियां रही हैं। उसके बाद में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें विशेष तौर से खास तौर से जो है पेट संबंधित रोग, जैसे कि दस्त है, पेचिश है, इसके अलावा टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, इसके अलावा मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पायरोसिस, इस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस सबसे बचने के लिए मेरा सब पूरी जनता से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि इस दौरान सभी लोग पानी उबाल के ठंडा करके पिए, कच्चा पानी जहाँ तक हो सके ना पिए। इसके अलावा सभी लोग पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, पूरा शरीर ढक के रखें, मच्छर रोधी कोई भी जो बाज़ार का प्रोडक्ट है घर में यूज़ कर सकते हैं, या नीम की पत्तियां रख सकते हैं, उसको जला के कर सकते हैं। अपने घरों में जहां तक हो सके मच्छरदानी में ही सोएं और बाहर के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे मच्छर जाली लगाएं। इसके अलावा आप लोग अपने घर में और छतों पे जल जमाव जो हो गया है बारिश की वजह से, उसको जितना जल्दी हो सके खाली करा दें। घर में हमारे जो मनी प्लांट वगैरह, इस तरह के छोटे मोटे प्लांट हम रखते हैं, जो अंदर रखते हैं हम कमरों में, उनमें पानी बहुत कम दिया जाए, इतना दिया जाए कि वो सरफेस पे ना दिखे, अंदर चला जाए, क्योंकि अगर सरफेस पे रहेगा तो वहाँ पे मच्छर जो है अपनी ब्रीडिंग करेगा। इसके अलावा जो हम पानी भर के रखते हैं बाथरूम में, टॉयलेट्स में, उसे हम ढक के रखें। ये कूलर वगैरह जो हम चला रहे थे, उनका प्रतिदिन हम पानी बदलते रहें, उसको समय डेली खाली करें और धो के तैयार करें, तब उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह से हम अपने घर के बाहर की जो नालियां हैं, संबंधित व्यक्ति जो सफाई कर्मी साहब हैं उनसे मिल संपर्क करते हुए उसे साफ रखें। फिर भी एक और छोटा सा हम निशुल्क उपचार आपको बता देते हैं कि आप लोग मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं तो जो पुराना तेल मिस्त्री साहब बदलते हैं, इंजन ऑयल, उसको आप ले आइए और उसकी अपने घर में रख लीजिए और उसकी 2-3 बूंदें अपने घर के बाहर की नालियों में आप समय समय पर डालते रहिए, जिससे कि मच्छर पैदा नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या होती है, किसी तरह की कोई समस्या पैदा होती है, तो तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपना इलाज कराएं। कहीं पे भी इधर उधर पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य विभाग आपके लिए 24/7 तैयार है और हम पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कोई भी समस्या होने पे तत्काल निकटवर्ती सरकारी संस्थान में जाके जांच करा के निशुल्क उपचार का लाभ लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें।